इस वीडियो में हम करने वाले रियलमी C3 का फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। आप में से बहुत लोगों को तरह तरह का क्वेश्चंस आ रहा है जो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। मैंने सोचा कि एक वीडियो ही ना बनाता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन मतलब FAQ का। इसमें हम डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन लेने वाले हैं कि इसमें टेम्पो ड्रिलर्स है कि नहीं, और काफी छोटे मोटे क्वेश्चन जो ऐसा लगता है कि सिली क्वेश्चन है, पूछना नहीं चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे। रियलमी C3 का और भी काफी ज्यादा कवरेज है, देख लेना। वीडियो को शुरू कर। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम? मैंने इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा था, 14th को मैंने ऑर्डर दिया था, 16th को ये डिलीवर हो गया था। और एक बात बता दो, फ्लिपकार्ट में इस मोबाइल के लिए रिप्लेसमेंट ऑफर है बस, इसमें रिफंड नहीं है। एक बार रिप्लेस करेंगे और दूसरी बार भी मिस्टेक हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ तो बता देंगे कि सर्विस सेंटर जाना है। तो ये पूछ लेना, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इसको रिफंड ऑफर नहीं आ रहा है, इसमें रिफंड नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मैंने रियलमी बड्स ऐप में बताया था ना वीडियोस की, उसमें प्रॉब्लम है, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि रिफंड ऑप्शन नहीं आ रहा है, रिप्लेसमेंट ही दिखा रहा है। तो हाँ, फ्लिपकार्ट में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स पे रिप्लेसमेंट ऑफर ही है। सेकंड क्वेश्चन है कि ऑफलाइन कब से मिलेगा? रियलमी ने प्रॉमिस किया था February 20 से ऑफलाइन मिलेगा, और आज डेट क्या है? 22 है, तो ऑफलाइन मिल जाएगा। मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि नॉर्मल स्टोर्स पे मिलेगा या रियलमी के जो एफिलिएटेड स्टोर्स होते हैं उन पे मिलेगा, पर आप ऑफलाइन आपके रिटेलर से जाके पूछ के चेक कर सकते हैं। क्या इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है? यस, इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है। आप 2 सिम लगा सकते हैं और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। दोनों सिम में आपको वोल्ट ही काम करेगा, और इसमें डुअल कॉन्करेंसी भी है। मतलब अगर आपको कॉल आ रहा है और वो कॉल आप जियो से अटेंड कर रहे हो, तो आप एयरटेल के सिम से नेट चला सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था, बहुत पुराने फोन से, या मेरे हिसाब से मेरे लेनोवो P2 वगैरह के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता था, अगर आपको कॉल आ गया तो नेट कनेक्शन बंद हो जाती थी, जबकि उसमें डुअल सिम होता था। इसमें ऐसा नहीं है, डुअल कॉन्करेंसी की वजह से आप नेट एंड कॉल एक टाइम पे कर सकते हैं। Does it hang in day-to-day usage? मैंने बहुत लोगों को देखा जो लोग कह रहे थे कि भाई हैंग हो रहा है, रियलमी यू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं उनके पॉइंट से लगभग 10% एग्री करता हूँ, पर 90% मेरे को लगता है कि फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसमें आप चाहे रैम मैनेजमेंट ले लो या रीओपनिंग एप्स, जो भी है कहना है, ऐप ओपनिंग टाइम सब कुछ फास्ट है, क्विक एंड स्नैपी है, और सॉफ्टवेयर भी ठीक है। बस ऑफकोर्स जब मैंने इसे ऑन किया था, स्विच ऑन किया था पहली बार, तो अगले आधे घंटे तक ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब लैग हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहा है नॉर्मल यूसेज में भी। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्विक है, और ये परफॉर्मेंस एनहांस ही होगा जैसे और अपडेट्स आएंगे और स्टेबिलिटी अपडेट्स आएगा, परफॉर्मेंस आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हाउ इज द डिस्प्ले फॉर मीडिया कंजम्पशन? इसमें आपको 20:9 का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक 6.5 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है। कलर एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मेरे को कि अभी तक हम उस स्टेज में नहीं आए हैं कि 20:9 एस्पेक्ट रेशियो कंटेंट हमें इसीलिए देखने को मिल जाएगा। अब यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, सब कुछ आधे स्क्रीन पर ही खुलता है। अगर आप जूम करोगे तो सर कट जाएगा, पैर कट जाएगा, वैसे ऑप्शन है। मेरे हिसाब से अभी बहुत कैमरा लोग और बहुत लोग जो हैं यूट्यूबर्स वगैरह वो 18:9 में वीडियोज़ बनाने लग गए, पर अभी मेरे को लगता है काफी ज्यादा टाइम लगेगा 20:9 में आने के लिए। क्या आप एप्लीकेशंस को SD कार्ड में मूव कर सकते हो? यस, कर सकते हो। सेटिंग्स में जाना है, एप्स में जाना है, और एप्लीकेशन जो भी आपको सेलेक्ट करना है जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप, उसे क्लिक करके मूव टू SD कार्ड कर देना है। तो इजी ऑप्शन है, इस फोन में वो प्रेजेंट है। कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है? इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया चैनल पे कि इसका कैमरा कैसा है, लो लाइटिंग सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन, और इसके वीडियो परफॉर्मेंस भी दिखाया, वो भी अलग वीडियो है, और इसका GCam वर्सेस टॉप कैम का कंपैरिजन वीडियो भी बनाया। GCam इस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। आपको लगेगा कि मतलब ऐसा लगता है कि 20-30% बूस्ट आपको मिल जाता है GCam में, अगर आप उसे नॉर्मल फोटो से कंपेयर करते हो। क्या इसमें स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड है? यस, इसमें स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड है, एक प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड देखने को मिल जाता है। अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास चाहिए वो आप दुकान से जाके लगवा सकते हैं, 100 रुपये तक आसपास मिल जाएगा। क्या ये बैक केस के साथ आता है? नहीं, इसमें आपको बैक केस देखने को नहीं मिलता। मेरे हिसाब से रियलमी C2 में बैक केस था, C1 में नहीं था। C2 में था बैक केस और इसमें भी नहीं है, या ऐसा है कि C2 में नहीं था, C1 में ऐसा कुछ है, पर इसमें भी आपको बैक केस देखने को नहीं मिलता, वो भी आपको रिटेलर से खरीदना पड़ेगा। When is the next sale? Next sale का नहीं पता, पर अभी भी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ 7:16 टाइम हो रहा है, और अभी भी स्टॉक पे है, एक वेरियंट स्टॉक पे, बाकी दिन सोल्ड आउट। तो यार आपको ना इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ता है, इंस्टाग्राम में ट्विटर में रियलमी को Xiaomi के लोग जब भी इनका सेल होने वाला होता है सबसे पहले वही स्टेटस या पोस्ट जो भी है डालते हैं, तो सब हमें पता लग जाता है। डज इट सपोर्ट स्लो मो? यस, आपको 120 FPS में स्लो मोशन मिल जाता है, और वन ऑफ द मोस्ट घटिया स्लो मोशन जो मैंने अपने लाइफ में देखा है। अगर इस पर मेरे को वीडियो बनाना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसमें भी मैं वीडियो बना दूंगा। हाउ इज द फेस अनलॉक? इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चेकआउट करना, 3 सिचुएशन में, आउटडोर, इनडोर और बिल्कुल पिच डार्क में, उस पर वीडियो बनाया, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस है। मतलब 10 के 10 बार तीनों सिचुएशन में खुला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फेस अनलॉक इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ये नहीं कह सकते कि कितना ज्यादा सिक्योर है, पर ओपनिंग टाइम इज फैंटास्टिक। स्क्रीन में क्या प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है? आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है,
पर मैं फिर भी कहूंगा टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रैच गार्ड लगा के रखना, क्योंकि ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स। कौन से रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करता है? ये 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड करता है, फ्रंट एंड बैक दोनों में 1080p पे, मतलब फुल एचडी पे वीडियो रिकॉर्ड करता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कितना है? स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89.3% कुछ इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, और बढ़िया यार, मतलब इसका जो बेजल्स वगैरह काफी ज्यादा कम लगता है। ऑफ कोर्स इसमें चिन है, पर वो भी काफी छोटा लगता है। डस इट सपोर्ट ओटीजी? यस, ये ओटीजी सपोर्ट करता है। आप इसे सेटिंग्स में जाके, एडिशनल सेटिंग्स में जाके इसे एनेबल करना पड़ेगा ओटीजी, उसके बाद 10 मिनट तक एक्टिव रहता है। उससे पहले आपको एसडी कार्ड डालना पड़ेगा या जो भी ओटीजी है, एसडी कार्ड क्यों डालोगे, ओटीजी डालना पड़ेगा और फिर वो काम करने लग जाएगा। और एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कोई और फोन है उसे चार्ज करना है तो आप रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें 5000 mAh का बैटरी है, तो यस यू कैन अफोर्ड टू स्पेयर सम mAh आपके दोस्तों के लिए। तो मेरे को लगता है कि जो भी डाउट्स था रियलमी C3 को लेकर आपके मन में वो सॉल्व हो गया होगा। अगर और भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। और रियलमी C3 का और भी कवरेजेस देख लेना, कैमरा रिव्यू, जो भी रिव्यू देखना है और वॉटर टेस्ट स्पेशली देखना है तो चैनल में है, चेकआउट कर लेना। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।